तो चलो अभी जाते दादा ना गेले अनुष्ठानगढ़ में, पापा है वहाँ पे तो भाईरा है, सब मजा करूंगा आज तो, बहुत मजा आएगा अनुष्ठानगढ़ में। तो चलो जब बोला अनुष्ठानगढ़ में ना, और रिलेटिव के साथ मिलने में एक अलग ही मजा होता है, और रिलेटिव्स के अंदर तो मैं वीडियो नहीं कर पाता, शर्म लग रहा है, तो यार क्या ही बोलू, सब है भाई। छोड़ी छोड़ी ठीक है, तनुज मेरा भाई। एंड 1 2 एंड 3 स्टॉप। ए भाई हार गया है तो आमी आबा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी वैसे राइट बाड़ा मतलब गुड नून। आज हम लोग जा रहे हैं, हमारा मेरा बुआ जी तो अभिषेक घर में एक अनुष्ठान में, तो मम्मी पापा भी निकल जा रहा है, कुछ काम है वहाँ पे, और मैं आज जाऊंगा बस या फिर ऑटो से, चाकदा बस स्टैंड से बस से धरूंगा 96 बस, वो पूरा एकदम बुआ जी का घर के सामने नहीं। मामी जाता है, मैं कभी नहीं गया, मैं पापा के साथ जाता हूँ। अदरवाइज टोटो है, ऑटो है, ऑटो से जाऊंगा। अभी देखते हैं जाकर कि किससे मैं जाता हूँ। तो चलो आज एक बहुत, और मैं सुबह से ना एडिट कर रहा था ना, तो उसी लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो पापा मम्मी जा रहे हैं, पापा का सुबह ड्यूटी था, ड्यूटी करके अभी आया। तो चलो तो अभी राइट 12:05 हो रहा है, तो पापा मम्मी तो निकल जा रहा है। चलो मैं अभी नहाऊंगा, नहा ही भाई नहीं तो जा। तो रेडियो के बाहर निकल गया, वहाँ पे कुछ काम टाम है ना, तो चले जा रहा है, मैं अभी नहाऊंगा, मटा चला दिया। तो यार कुछ दिन ना देख रहा हूँ भाई, बारिश हो रहा है, तो मम्मी बोल रहा था कि मेरे साथ जगह, मैं पापा के साथ ही चले जाओ, कोई बात नहीं, चलो डाटा। तो मम्मी पापा अभी अभी चला गया, मम्मी भाई इतना टेंशन करता है, मेरा नहाने तक खड़ा था, तो हाँ बेटा का अगर कुछ हो तो नहाना तो डन। तो अभी मैं ड्रेस ड्रेस पहन लेता हूँ। तो गाइस मैं तो अभी रेडी हो रहा हूँ, पर एक प्रॉब्लम है कि मैंने ये जो पैंट खरीदा था ना भाई, इस बार ये पैंट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है उम्र में, मतलब मेरा हो नहीं रहा है, खुल के पड़ जा रहा है। आप सब जरूर, आपका फिट हो ऐसे ही पैंट खरीदना। ये पैंट मैं ठीक करने भी गया था एक दोर्जी का शॉप में, पर उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा, तो ये पहन नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, पापा को होपफुली दे दूंगा। और पुराना ही एक पैंट मैंने पहना है, और ये वाला शर्ट होपफुली आज पहनूंगा, एक बार ही पहना था, तो चलो पहनता हूँ। आप सब जरूर फिट हो ऐसा पैंट ही खरीदना। और आज शैम्पू करा था ना, देखोगे कि आप नहाए हो तो समय नहीं लगता है उतना ज्यादा हेयर सुखाने में, पर आप जब शैम्पू करते हो तब ज्यादा समय लगता है। तो रेडी फेडी होता हूँ, 12:30 आज ऑटो से जाऊंगा या फिर बस से, देखते हैं। तो चलो गाइस, मैंने एक बार समझ नहीं पाता मेरा सब चीजें क्यों इतना बड़ा बड़ा होता है। ये गिफ्ट दिया था होपफुली कोई, ये भी बड़ा है, ये होपफुली इन करके पढ़ूंगा और बोटा लूंगा, क्योंकि न्यू शर्ट है, नहीं पहनू तो पैन भी बड़ा हो गया, मेरे साथ ही ये सब पोपट होता है। तो गाइस मैं इन करके तो रेडी हो गया हूँ, कैसा लग रहा है आप सब प्लीज बोलो मुझे, तो भाई कैसा लग रहा है, आई डोंट नो, और अंदर में क्या बोलू, हाई स्लीव्स गेंजी पड़ा है ना, तो थोड़ा सा और तो लग रहा है, तो जो भी हो जाऊंगा क्योंकि सर्दी है, और मैं सोचो कि छाड़ दूंगा। और वहाँ पे तो भाई रिलेटिव्स घर है, तो वहाँ पे कौन कौन होगा, मेरा सब रिलेटिव्स, जैसे मेरा तोपा पिशिमुनि, सोमित पिशमशाई, टूबाई दादा, मीनी दीदी, उसके बाद मेरा तुषार काका, शिवली काकी माँ, तनुज भाई, उसके साथ तो मजा करूंगा, मामी उसके लिए जल्दी जल्दी चला गया, उसके साथ जॉली पिशी, सौजल पिशमशाई, स्वर्णेंदु, बड़ो पिशी, चंदन पिशमशाई, बहुत सारा लोग ही आएगा, और सबसे मेन और एक दीदी है जो है, और हाँ श्वेता दीदी आएगा, वो पे बहुत मजा करूंगा उसका, देखते बड़ो दादा छोटा दादा कोई आता है कि नहीं। और मेरा सब रिलेटिव्स ना भाई नहीं जानता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो कैसे करूँ आई डोंट नो, पर आप सबको छुपा का छुपा थोड़ा तो सीन दिखाऊंगा। और टूबा दादा का सब टीचर्स भी आएगा बहुत सारा, बट टूबा दादा नहीं दीदी जानता है ब्लॉग के बारे में, ब्लॉग करता हूँ मैं तो। या चलो अभी जाते हैं, मैं जो छोड़ देता हूँ वो, हाँ मैं एक वीडियो एक्सपोर्ट करूंगा उसके बाद ही जाऊंगा, 1 बजने गया है। तो मैंने ना अभी छाड़ दिया है, कैसा लग रहा है आप सब जरूर बताओ, आई डोंट नो, बुद्धू बुद्धू लग रहा है क्या, अगर मैं ऐसे कॉलर दे दू तो क्या लगेगा भाई, ये बोलो कैसे जाओ, ये अभी पहला लुक अच्छा था, अभी मैं देखता हूँ वीडियो में उसके बाद जाऊंगा। और गाइस यहाँ पे हो रहा है एक वीडियो अपलोड, मेरा यहाँ पे ना एक पिंपल जैसा कुछ हुआ है फोड़ा के जैसे,
पर आप जब शैम्पू करते हो ना तो अब आपका हेयर मतलब क्या ही बोलूँ क्या ही हो जाता है अगर आपका लॉन्ग हेयर है। मैं क्या सांसल का एड्स हूँ देखो। और गाइस पापा ने इधर 40 रुपी देकर गया है, तो ऑटो ऑटो से जाऊंगा ना। तो हाँ गाइस मैंने आप सबको बोला था ना कि मैंने पापा को 2000 रुपये दिया था, कि पापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था फाइनेंशियली, क्योंकि मंथली जो मायने है ड्यूटी करके पाता है वो नहीं पा रहा था, उसमें मैंने थोड़ा सा दिया था। पर पापा ने देखो फिर से मुझे रिपीट कर दिया, दे दिया है 1000 रुपये। मम्मी भी दिया था 2000, क्योंकि देखो मैं तो कुछ रुपए कमाता नहीं हूँ, तो पापा समझ पा रहे कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए पापा ने दे दिया है। दिस इज कॉल्ड फादर, पापा एक घर का थंब है, तो पापा से आप सपोर्ट करो, अगर नहीं चल पाए प्लीज हेल्प करो, क्योंकि सभी तो प्रॉब्लम में पड़ता है, आपका पापा भी पड़ेगा, तो उसमें पापा को अगर मनी देकर नहीं हो तो मेंटली आप सपोर्ट करो, जैसे मैंने और मम्मी करा था। चलो अभी एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद जाऊंगा। गाइज मेरा ना यहाँ पे क्या हुआ है, मैं क्या इसको फटा दूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, फोड़ा के जैसे कुछ, क्या करूँ। चलो अभी ये ठीक लग रहा है। गाइज मैं एक बात ना सुना था कि अगर आपका मुंह में पिंपल्स हो रहा है कभी भी नहीं फटाना चाहिए। आप वो पे थोड़ा सा नीम का पेस्ट बना के मखो, या फिर सुथौल बहुत यूजफुल है, या फिर फेस वॉश। मैं जैसे सुथौल मखता हूँ तो ठीक हो जाता है, सुथौल एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। तो हाँ मैं थोड़ा सा अभी दे देता हूँ यहाँ पे। एज यूजल जो बोला, मैं एक वीडियो भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ही जाऊँगा, कोई चारा नहीं है। ये वीडियो मैं अगर एक्सपोर्ट नहीं करूँ तो सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा, कि इसके बाद ये वीडियो उसके बाद वो वीडियो, क्योंकि एडिटिंग भी बहुत सारा है एक साथ। तो या ये वाला करके ही चला जाऊँगा, 1 बज राइट 1:10 में। तो मेरा एक वीडियो हो रहा है एक्सपोर्ट, तो मैंने ऐसे सोच रहा हूँ कि पहन के जाऊँ, पर थोड़ा सा ना और जैसा कुछ लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। ये ना मेरा दोस्त प्रियांशु ऐसे पहनता था, मुझे याद है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बोझ कर ही जाता हूँ, क्योंकि एक फैमिली अनुष्ठान है ना, और एक बंगाली जामाई की तरह जाता हूँ। चलो तो आप सबने बहुत देर से भाट बक बका सुन लिया मेरा, तो अभी चलो मैं फुली अभी रेडी हूँ, एक अच्छा एक फैमिली मेंबर की तरह सजा हूँ, अभी जाता है, ये वीडियो एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद ये जो वीडियो का ये सब एक मतलब एक्सपोर्ट करूंगा नियर बाई शेयर से। और चलो अभी जाते हैं, तो या और हाँ गाइस मेरा पापा बोल रहा था कि मेरा तनुज भाई ऑलरेडी आ गया है, तो चलो जल्दी जाता हूँ। मैं ना गाइस समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे साथ जो जो होता है, मैं क्यों आप सबसे इतना ज्यादा बकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसी के लिए। ये मैं थोड़ा धीमे धीमे से कम करूंगा, जिससे मेरा ब्लॉग का क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, कल से होगा। निकलते निकलते 1:30 हो गए, अभी चलो जाते हैं। एक बात याद रखना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मेरे लिए भी नहीं रुको। और एक मापला ही है जुगाड़, अगर पापा के साथ आओ या फिर घर में भी आ जाओ, आने के समय ठंड होगा तो यही है जुगाड़, यही हाथ में लेकर चलो जाते हैं, या से टोटो उसके बाद ऑटो से या फिर बस से, चलो देखते हैं। लॉग भी करना डन, पर अकेले जाने का ना एक अलग ही मजा है। देखो क्या पापा मम्मी के साथ जाओ और अकेले जाओ, एक अलग ही मजा है। अभी मेरी जो प्रॉब्लम है टोटो को लेकर खड़ा रहता हूँ, तो टोटो में तो चढ़ गया हूँ, तो चलो अभी जाते हैं फोर्ट रोड ऑटो स्टैंड तक। स्कूल के बाद से जब भी जाता हूँ ना, सब याद ताज़ा हो जाता है पुराना। पर इस तरफ है स्कूल का बैक का साइड, इस तरफ से ही जाया जाता है ऑटो स्टैंड तक। ठीक, तो टोटो करके तो आ तो गया हूँ, इस तरफ है कोट हमारा बोनगन का, और इस तरफ है ऑटो। चल तो इस तरफ है बेसिकली ऑटो स्टैंड, और देखो यहाँ पे सब अड्डा फड्डा मारता है, आया था पहले एक बार। तो हाँ तो यहाँ से तो कोई भी टोटो ऑटो नहीं जाता है, मैं नहीं जानता था, सामने जा रहा हूँ। तो हाँ बैरकपुर बोला, चलो मम्मी सब कुछ जानता है, पर मैं नया हूँ ना, तो इसलिए सुन लिया उन सब से, सामने से जाता है पुलिस। ये भी भाई कितना सुंदर, एक मोबाइल का कवर का शॉप है, देखो एक दिन आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सब सब इस तरफ आ गए, चलो रोड से पुलिस धरना पड़ेगा ऑटो। काकू बोलछी जे ये तो जाबो श्रीपल्ली बैरकपुरीटा थोड़ी सा। और
কিসব ভাড়া কত ভাড়া 20 টাকা 20 টাকা পুরো অটো ফুল হ্যায় ভাই तो अभी टोटो करके ऑटो करके हाथ हो गया वो टोटो टोटो बोला हुड़ी सभा का सामने में नवा 20 रुपी भाड़ा लिया तो हाँ मैंने गाइस एक बार देख के सरप्राइज हो गया कि टोटो ऑटो में 20 रुपी भाड़ा लिया ठीक है आप 11 जन का धरा पाओ 11 जन ही था उसके अंदर तो हाँ मतलब सामने 4 जन सामने हाँ ड्राइवर को धरकर सामने 4 जन पीछे 4 जन और पूरा पीछे 4 जन चार वो 12 जन टोटल 12 जन था भाई बहुत ही डरावना मतलब टोटल ऑटो में 12 जन था और एक ड्राइवर था मतलब टोटल 11 जन पैसेंजर और ऑटो वाला तब कितना भाई और ऑटो इतना अच्छा था क्या बोलते तो अभी आ गया हूँ तो चलो अनुष्ठान घर में जाता है मम्मी पापा को फ़ोन करते तो भाई ये कितना सुंदर है चलो हाँ तो गए हैं पर मुझे भाई शर्म कर रहा है एज यूजल ये है मेरा बुआ जी का घर कोई भी नहीं है तो चलो जाते हैं अनुष्ठान घर में देखो अनुष्ठान घर में तो रिलेटिव्स है वो भी उतना ज़्यादा दिखाना पॉसिबल नहीं है तो चलो अनुष्ठान घर में जाते हैं उसके बाद बाद देखता हूँ क्या क्या होता है ये मापला लेकर मैं प्रॉब्लम हो गया हाथ में ऐसे के लेकर जाओ पापा ऑलरेडी खाने बैठ गए क्योंकि पापा ने सुबह नहीं खाया था और या चलो जाते हैं मापलर भाई यहाँ पे रख के जाता हूँ चलो किसका शर्म भाई सभी तो आत्मा है जाते हैं अभी चलो तो ये रहा मम्मी तो चलो अभी जाता है मम्मी के साथ तो हाँ चलो चलो तो चलो अभी जाता अनुष्ठान घर में पापा है वहाँ पे तो भाई रहे सब मजा करूंगा आज तो बहुत मजा आएगा अनुष्ठान घर में तो चलो और जाए बोलो मम्मी इस तरफ और जाए बोलो अनुष्ठान घर में ना और रिलेटिव के साथ मिलने में एक अलग ही मजा होता है पर मुझे ना थोड़ा सा शर्म लगता था पहले पर जब मैं समझा कि सब आत्मा है तब शर्म चला गया चलो 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 ভিডিও নেই কর পাতা শাম লাগ রা হ্যাঁ তো ক্যা হি বোলু সব হ্যাঁ পার্থ দা চন্দন বিশ্বমশাই সব আয়া হ্যাঁ সব তোমার মেয়েদের সাথে মুলাকাত হওয়া তো আমি সবার আগে বিশ্বমশাই ভিডিও কভার করেছিল যে প্লেনের রয়েছে জাহাজে আমরা সব দেখেছিলাম পিছনে তো নেভিতে হ্যাঁ ওখানে সব রিলেটিভস আ রহে ভাই সবকো থোড়া থোড়া তো দিখাউঙ্গা মে লুকা কর ছুপা কর তো হ্যাঁ দিদি কেমন আছো হ্যাঁ ভাইকে সেই কৃষ্ণ সাজিয়েছিল এত সুন্দর লাগছিল আমি দেখেছিলাম মেরা বাবা কা মামাটা মা রহা হ্যায় গাড়ি লেকর মেরা মামা ভি জেসে আতা তো ওয়েসে জুম করকে দিখা হ্যাঁ জুম করকেই দিখা রাও শোনিন্দু ভালো তো এমনি ওই আছে আসলে জন্মদিন আছে আমি কি করে খাবো বুঝিস না এগুলো হ্যাপি বার্থডে থ্যাংক ইউ দাদু কেমন আছো ভালো আছো কমাল কমাল আপনি লেট করে এসেছেন এই যে বাবু কেমন আছো কেমন আছো ওমা ও কাকিমা কেমন আছো ভালো আছো কাকু ভালো আছে তো হ্যাঁ তুই কি বাইক কিনেছিস বাইক কিনলাম বাইক নামি কি ডিউক ডিউক কত কত বললি
এটা কত মজা আছে এসব ভারী করে চালিয়ে মজা আছে আরেকটা ভাই কই খেয়েছো শরীর ভালো আছে তো সুগার হয়েছে এখন বনগাঁয় থাকো হ্যাঁ এখন বনগাঁয় একদিন আসে আদারি আসবেন এত সুগার মানে তো অনেকটা বেশি হ্যাঁ আমার শাউরির মতো ও ছোট কাকিমা কেমন আছো কাকুরা কেউ আসেনি নাই কোথায় কাকুরা আসেনি এখন আমি তোমার এন্ট্রান্স এক্সামের প্রিপারেশন নিচ্ছি 12 পাস করলাম এইবার ভালো হয়েছে রেজাল্ট হ্যাঁ 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 ভালো হয়েছে তো মাকে তো মডার্ন করতে পারলি না মা তো মডার্ন হয়ে গেছে আগের থেকে অনেক অনেক মডার্ন হয়েছে হ্যাঁ ঠাকুরের আশীর্বাদ দেখিস দেখি মনে হচ্ছে আর মা এমনি যখন বনগাঁ ঘুরে এখন চুড়িদার পরেই ঘুরে মডার্ন হয়ে গেছে অনেকটা তোমরা কি টোটোই করে এসছো নাকি এই টোটোই তো অনেকটা সময় লাগলো তো তাহলে এটা বিয়ের কানে আর একদম ছোটটাও এখনো ভর্তি হয়নি তাই তো আমি ভাবলাম যে কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলছো 3 বছর পরে পেয়ে যাবো চাকরি তো ইস তরফ তো গাইস এক ক্যা বলু এক মন্দির জ্যাসা কুছ হ্যাঁ তো সব আন্টি আন্টি কে সাথ বাতচিত কর রাহা থা মন্দির মতলব ই কালী মাতা কা মন্দির হ্যা হোপফুলি এই বলু মে তো ছুপা ছুপা কা থোড়া সাফ সাফ কো রিলেটিভস কো দিখা রাহা হু বহুত হি আচ্ছা লাগতা হ্যা ক্যুকি ইয়ে সব না স্মৃতি হোকার রহ জায়েগা আদারওয়াইজ না আপ সমঝো আজ আ রহা হ্যা অভি কব মিলুঙ্গা সব কে সাথ তো হ্যাঁ মেরা কাকি মাতা কি মে সব আয়া হ্যা তো চলো অন্দর জাকা অর ভি রিলেটিভস কো দিখাতা হু জিতনা হো পায়ে তো হ্যাঁ চলো ইয়া পে মন্দির হ্যা কালী মাতা কা আর মিউ দিট ওয়াই দাদা স্বর্ণেন্দু সব কে সাথ বহুত আচ্ছা বাত কিয়া ইয়ে তো কাকি মা হ্যা নিরুপম অনুপম কাকু কা वाइफ दोनों ही बहुत अच्छा है बहुत दिन से जानता हूँ सबके साथ दिखा और हाँ कालीपद दादू बोल रहे हैं कि मैं 3 साल पे ही चाकरी पा जाऊँगा जॉब पा जाऊँगा क्या बोलूँ सबका तो चलो जाते তোমার সার্টিফিকেটটা অতি সত্তর আনতে হবে অনেকদিন হয়ে গেল বনগাঁ থেকে তোমাদের ওখানে মানে খুব কম কম আছে আর এখানে কেমন আছিস এই ভাই এদিকে এই ভাই এদিকে
এই যে হচ্ছে সেই শয়তান এর নাম হচ্ছে ভাই ছুরি ছুরি লিখছে ভাই কি আর হয়ে গেল তোর উঠিরা ভাই इन सब को भाई ठीक है मजा कर रहा है बहुत तीनों एक साथ डराओ भाई ये तीनों क्या कर रहा है एंड वन टू एंड थ्री स्टॉप ए भाई हेरे गए भाई हेरे गए भाई हेरे गए भाई हार गया है तो आमी आबार बोलबो ठीक है ये भाई बहुत अच्छा है तो अभी भाई चला गया ये दोनों अकेले पड़ गए हैं ये मेरा शिवी पीसी का बेटा भाई ये पेड़ देखो कितना नेक्स्ट लेवल है भाई अभी उस घर में चला गया है फ्लावर तो भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है देखो और यहाँ पे सब रन्ना वरना का काम होपफुली चल रहा है अभी भी तो है इस तरफ से ना एक गली है उस तरफ तो अनुष्ठान का सब खावन दावन चल रहा है इस तरफ एक गली है मैं जाता हूँ चलो इस तरफ से आप जा पाओगे एक जगह ओपन है मैं भी जिस तरफ जा रहा हूँ मतलब मेरा बुआ जी का घर के फुल्ली पीछे इस तरफ से आप जा पाओगे एक जगह पे तो चलो जाते हैं अभी पूरा एक डॉग तो यहाँ इस तरफ है विभूषण बंदोपाध्याय का घर भाई इस तरफ इतना क्राउड क्यों है आई डोंट नो मैं सुन रहा था इस तरफ कोई मर गया है टू बाई दीदी बोल रहा था एक्सीडेंट से तो चलो वो रहा विभूषण का घर ये रहा गाइस विभूषण बंदोपाध्याय का घर तो मैं अंदर में जाकर थोड़ा सा घूम के आता हूँ चलो या पहले भाई इतना क्लीन नहीं था देख रहा हूँ धीमे धीमे से और भी ज़्यादा क्लीन कर रहा है ये सब जगह शाम में आया था ना एक दिन उस दिन और नहीं घूम के गया चलो आप सबको थोड़ा शानदार में जाकर दिखाता हूँ तो विभूषण बंदोपाध्याय आप सभी जानते हो बहुत फेमस एक राइटर है पौथेर पाचाली सत्यजीत राय का मतलब पौथेर पाचाली को सत्यजीत राय ने फिल्म में करा था जो विभूषण बंदोपाध्याय लिखा था उसी लिए भारत में फर्स्ट चलचित्र में ऑस्कर पाया था तो हाँ ये देखो मतलब फिल्म में ये रहा विभूषण बंदोपाध्याय और इनका होपफुली वाइफ तो यार ऐसे कुछ ऐसा व्यू है वाओ यहाँ पे भाई जब भी आता हूँ एक अलग ही पॉजिटिविटी एक अलग ही फीलिंग थी विभूषण बंदोपाध्याय इतना बड़ा फेमस राइटर था उनका एक घर वो भी मेरा बुआ जी का घर के पीछे बुआ जी का घर अभी जहाँ पे देखते हो ना यहाँ पे पुराना घर है और अभी रोड के उस तरफ जाकर नया घर करा है पर बुआ जी का जो जा है मतलब साथी पीछे मुनि वो भी उन्होंने भी पास में ही रहता है तो ये रहा विभूषण बंदोपाध्याय का घर बहुत मतलब जितना बार आता हूँ उतना बार घूम के जाता हूँ मम्मी तो अभी चला गया तो मैं अभी आया हूँ इस तरफ तो यार देखो गाइस यहाँ पे ना सब लिखा है डिटेल्स विभूषण बंदोपाध्याय के बारे में तो हाँ ये स्कूल है एक स्कूल में पूरी क्लास कराता था गाइस पास से ये रोड क्यों है यहाँ पे है घर और ये पास से रोड क्यों है वो उस तरफ सब घटर है ओके उसी लिए इतना क्लीन है इसीलिए बोलूं दिखी जाता है वालों इस साइड पे हेलो एवरीवन गुड